हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल के एन अकेडमी। सो आज की इस वीडियो में मल्टीपल हायरिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर मैं टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल हायरिंग के बारे में डिस्कस करूँगा। तो अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो टेक्निकल हायरिंग में अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो आप नॉन टेक्निकल हायरिंग में अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ चैनल पर कमेंट आते हैं कि नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के लिए भी थोड़ी सी हायरिंग आना चाहिए, तो मैं वहाँ उन लोगों के लिए भी हायरिंग्स बना रहा हूँ। सो सब फर्स्ट आई एम डिस्कसिंग अबाउट दी जॉनसन एंड कंट्रोल, दे आर हायरिंग फॉर ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी। ओके, एंड एज अ ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी आपका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ पे, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट जॉब लोकेशन आपका यहाँ पे होने वाला है पुणे, एंड दिस इज़ फुल टाइम अपॉर्चुनिटी एंड पोस्टेड स्टडी, सो दिस इज ऑल्सो रीसेंट अपॉर्चुनिटी, सो यू कैन डेफिनेटली अप्लाई इन दिस। नाउ वॉट वी लुक फॉर, लाइक वॉट दे आर लुकिंग फॉर एग्जैक्टली, आपके पास क्या स्किल्स क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन। सो यहाँ पर बी और बी टेक स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका पासिंग ईयर है तो पासिंग ईयर 2022, सो ओनली 2022 बैच के स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपका परसेंटेज क्या होना चाहिए, एसएससी एंड एचएससी एंड ग्रेजुएशन में परसेंटेज जो क्राइटेरिया है वो है 55%। ओके, सो आपके पास 55% होना चाहिए, एंड गुड ऑब्जर्वेशन स्किल्स एंड विलिंगनेस टू लर्न एंड एबिलिटी टू वर्क इन टीम, ये अदर स्किल्स क्राइटेरिया। यहाँ पे प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। सो दीज आर दी सम स्किल्स क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर दिस। नाउ टॉकिंग अबाउट दी सेकेंड अपॉर्चुनिटी जो कि नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के लिए है। सो रेप्लिकेंट करेंटली हायरिंग फॉर ट्रेनी, पे पर क्लिक ट्रेनी। ओके, एंड यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जॉब डिस्क्रिप्शन एंड डिजायर्ड स्किल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सो जॉब डिस्क्रिप्शन आपका जॉब टाइटल होने वाला है पे पर क्लिक ट्रेनी, एंड शिफ्ट आपकी नाइट शिफ्ट होने वाली है। एजुकेशन इसमें है बी कॉम, बी बी ए, एम बी ए फ्रॉम मार्केटिंग ब्रांच। ओके, सो बी कॉम स्टूडेंट्स, बी बी ए, एम बी ए स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड आपका सी टी सी यहाँ पे होने वाला है 3.3 एल पी ए टोटल सी टी सी। ओके, एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग इमीडिएट। सो इफ़ यू आर लुकिंग इमीडिएटली एंड दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर इमीडिएट ज्वाइनर्स, सो यू कैन डेफिनेटली अप्लाई। अगर हम बैच की बात करते हैं तो बैच यहाँ पर 21 एंड 2022, सो ओनली 21 एंड 2022 बैच के स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड डिजायर्ड स्किल्स क्या है यहाँ पर, वेरी गुड इन एम एस एक्सेल, गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजिटल मार्केटिंग स्पेशली इन पे पर क्लिक। ओके, बिकॉज दे आर हायरिंग फॉर पे पर क्लिक ट्रेनिंग। Now talking about the third opportunity which is from Harman. So Harman Technology currently hiring for associate engineer. And associate engineer में क्या domain हुआ, क्या skills हैं, क्या qualification आपके पास होना चाहिए। Basically they are looking for Bangalore location and this is full time opportunity. And candidate with good C++ knowledge. So अगर आपके पास C++ की knowledge है, basically काफ़ी सारे freshers होते हैं, यहाँ पर कोई criteria नहीं है कि कौन से batch के students या फिर कौन से graduate इसमें apply कर सकते हैं। तो guys skill base, अगर आपको C++ की knowledge है अच्छी advanced level की, लाइक DSA आपको अच्छे से आता है, C++ में advanced knowledge है, then definitely आप इसमें apply कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी opportunity है skills base। Okay, सो गाइज आई हैव डिस्कस्ड अबाउट 3 ऑफ कैंपस जॉब एंड इसकी लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा जहाँ से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सारी लाइक आपके अकॉर्डिंग जो आपको बेस्ट लगती है, आपका स्किल्स क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जिसमें भी मैच होता है, इसमें अप्लाई जरूर करें। ओके, सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।